पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, आप जब चाहें आकर ले जा सकते हैं। मुझे कब से इस खुशखबरी का इंतज़ार था। मैंने इस पेंटिंग को बहुत दिल से बनाया है और मैं इसे उसी शख्स को देना चाहती थी जो वाकई ही आर्ट का शौक और ज़ौक रखता हो, वरना आप तो जानते हैं खरीदार तो बहुत से होते हैं। खुश ज़ौक ही भी एक अनायत होती है। अगर मैं ख़रीद सकता तो मैं आपकी सारी पेंटिंग्स खरीद लेता। थैंक यू सो मच। लेकिन आप मुझे ये तो बताएं, आखिर इस इंटरेस्ट की वजह क्या है? शौक में जुनून ना हो तो उसके रंग फीके लगते हैं। जुनून शौक की बहार है। जरूर इस लगन की कोई तो वजह होगी, वरना शौक का ये अंदाज मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। ऐसी कोई खास वजह नहीं। खैर, मैं आपके पास फुर्सत से आऊंगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे की हुई कमिटमेंट पूरी की। नो प्रॉब्लम, आप जरूर आए। अल्लाह हाफिज। इन रंगों में भी अजब कमाल है। इस पेंटिंग को देख के इंसान कुछ लम्हों के लिए खो सा जाता है। आपने बहुत खूबसूरती से इसको पेंट किया है। ट्रूली आई एम अ फैन। बस थोड़े से टचअप्स रह गए हैं, उसके बाद ये पेंटिंग आपकी हुई। थैंक यू। एक्चुअली मैंने आपकी कुछ पेंटिंग्स अपनी कजिन की तरफ देखी थी। मेरी कजिन के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई, उसकी डिवोर्स हो गई और फिर दूसरी शादी एक डिवोर्सी के साथ हुई जो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। पता नहीं लोग आजकल ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। बस क्या कर सकते हैं, लेकिन एक दिन उसकी असलियत सबके सामने खुलकर आ जाएगी। कहते हैं उसने पहले भी बहुत से लोगों को धोखा दिया है। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। एनीवेज, व्हाट आई थिंक इज कि आपकी कजन को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा और उसे अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आई थिंक शी शुड लीव दिस गाय, डोंट यू थिंक? बेवकूफ है मेरी कजन, अकल कहां है उसको? जिस दिन उसको अपने शौहर की असलियत नजर आएगी तो उसको अकल भी आ जाएगी और वो उसे छोड़ भी देगी। हाँ, आजकल की लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं। हर किसी पर एतबार कर लेती हैं, हर चमकती चीज को सोना समझ लेती हैं। वैसे आपको आपकी कजन से बहुत हमदर्दी है। जी, हमदर्दी तो है। अपनी औलाद नहीं है उसकी, अपनी शौहर की बेटी पाल रही है। उसके शौहर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। सुना है वो भी एक आर्टिस्ट थी, बल्कि एक बहुत बाज़ौक इंसान थी। स्ट्रेंज। जी हां, मेरी कजिन का नाम ज़ेबुनिसा और उसके शौहर का नाम शाहनवाज है। शाहनवाज? जी। आप प्लीज बैठ जाइए। ठीक कह रहा हूं मैं? मेरी कजन ज़ेबुनिसा की शादी मेरे भाई से हुई थी, उसकी तलाक हो गई थी और फिर मेरे भाई का इंतकाल हो गया। शाहनवाज से उसकी दूसरी शादी हुई है, उस शाहनवाज की बेटी को भी पाल रही है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं निकला, धोखेबाज निकला।
बेजा पाबंदियां लगाई उसने अपनी बीवी पर, ना कहीं जाने देता है ना कहीं आने देता है, हत्ता कि किसी से फोन पर बात भी नहीं करने देता। गुलाम बनाकर रखा है उसने अपनी बीवी को। ठीक कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप शाहनवाज की पहली बीवी थी। तो इसलिए आप बार बार यहां आ रहे हैं। मेरा शाहनवाज से कोई ताल्लुक नहीं है अब। मगर आपकी बेटी तो उसके पास है, आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को यहां से ले जाएं, अपने पास रखें, पूरा हक है आपको उस पर। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि शाहनवाज अपने माजी को सबसे छुपा रहा है, वो धोखेबाज है, धोखा दे रहा है सबको। यकीनन उसने आपके साथ भी कुछ बुरा किया होगा, बेटी छीनकर तलाक दे दी आपको। आप कुछ नहीं जानते। मैं बहुत कुछ जानता हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप उसकी बेटी की मां हैं, अपना हक मांगे। शाहनवाज ने तो जेबू के बिजनेस पर भी कब्जा कर लिया है और अनकरीब वो सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। मैं उसका ये असली चेहरा बेनकाब करना चाहता हूं। मगर आपको उससे क्या फायदा होगा? वो मेरी कजन को धोखा दे रहा है, मैं चाहता हूं कि वो उसको छोड़ दे, वरना अनकरीब उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने ये शादी अपने वालिद के दबाव में आकर की है, मजबूरी में की है। कि मैं उसको शाहनवाज के इस गुंजल से आजाद करवाना चाहता, थैंक यू। शाहनवाज तो अपनी दुनिया में मगन है, तो मुझे कब का भूल चुका होगा कि मेरी बेटी अनाया उसके पास है। अनाया पर मेरा हक है, मैं अनाया को लेकर चली जाऊंगी और शाहनवाज मुझे रोक नहीं पाएगा। न जाने वो लड़का अरे सच कह रहा था या नहीं, मुझे क्या, तो सिर्फ अपना फायदा देखना है, सिर्फ अपना मकसद हासिल करना है, और उसमें आरेज मेरी मदद कर सकता है। इतने बरसों बाद उज़्मा वापस क्यों आया, जब मैं सब कुछ बुला बैठा हूं तो वो दोबारा वापस क्यों आ गई? शाहनवाज, तुम? वाओ, तुमने मुझे पहचान लिया। आई थॉट मुझे इस बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तुम्हें। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। क्या चाहती हो तुम? इतने बरसों बाद कैसे ख्याल आ गया? शाहनवाज, सारी बातें फोन पे तो नहीं हो सकती ना। उसमें मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। हमारी बेटी अनाया अब बड़ी हो गई है। वो मेरी बेटी है, तुम उसे छोड़कर चली गई थी उसमें। मगर अब मैं लौट आई, मगर अब बहुत देर हो चुकी है।
जेब। किसका फोन था? किसी का नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। दोबारा फोन आ रहे हैं। अरे कोई नहीं है, वो रॉन्ग नंबर है, बार बार तंग कर रहा है। तो आप कंप्लेन कर रहे हैं? It's okay. कितनी कंप्लेन करूंगा? आप अपनी उलझन मेरे साथ शेयर करें, मैं शायद आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। ऐसी कोई उलझन नहीं है, I can handle it. शाहनवाज, मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं, मगर मुश्किलात और परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती है, और मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। चले चाय पी लेते हैं। हाँ चाय। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, लेट हो गए आज। जी बस आते आते देर हो गई। ये तुम एक और पेंटिंग उठा लो। अरे तुम्हें हो क्या गया? और ये पेंटिंग्स का शौक कब से हो गया? तुम्हें आर्ट में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? एक तो तुम हर बात की इंक्वायरी शुरू कर देती हो। खुश नहीं हो सकती घर में कोई नई चीज आई है? नई चीज? ये कोई चीज नहीं है, ये नए चौंचले हैं। बेटा ठीक कह रही है सबा, क्या जरूरत है तुम्हें रोज पेंटिंग्स खरीदने की? ये अमीरों के शौक होते हैं बेटा। अम्मी आप लोगों को हो क्या गया है? इस घर को जेबू का घर बनाने की कोशिश ना करो आरिस। ये तुम हर बात में जेबू को क्यों ले आती हो? क्योंकि जेबू ही तो हर वक्त इस घर में रहती है। कभी तुम उसको फोन करते हो, कभी तुम उससे मिलने जाते हो, तुम हमेशा जेबू की यादों में ही खोए रहते हो। बस कर दो सबा, बात को कहां से कहां ले जाती हो तुम। यही तो बुरी आदत है इसमें। जी दुनिया की सारी बुरी आदतें सबा में ही तो है, आप दोनों की तो कभी कोई गलती नहीं होती। लगाओ अपनी पेंटिंग। देख लिया अम्मी, इसको समझाना ही बेकार। जानती हूं बेटा। इधर दो मेरा फोन। तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है जो तुमने पासवर्ड लगाया हुआ है? शहर के हालात ऐसे हैं कि फोन कभी भी चोरी हो सकता है, और ऑफिस का बहुत सा इंपॉर्टेंट डेटा है इस फोन में, पासवर्ड लगाना इसीलिए जरूरी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? तुम्हारी तबीयत ही ऐसी है, शक्की और वहमी, और कोई बात नहीं है। और तुम मेरी जासूसी क्यों कर रही हो? इतना ही मसला था तो मुझसे शादी क्यों की थी सबा? तुमने मुझसे शादी सिर्फ सेबू को जलाने के लिए की थी, इसके बाद तुम खुद पछता रहे। तुमने भी ये शादी इसीलिए की थी ताकि तुम इस घर में आ सको और सेबू के मुकाबले में खड़ी हो सको। अब मुझे सारा इल्जाम क्यों दे रही हो? सेबू तो चली गई, हम दोनों रह गए, सारे मुकाबले हार जीत सब खत्म। मैं जानती हूं कि तुम अभी भी सेबू से ही मोहब्बत करते हो, मैं चाह कर भी तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। तुम्हारे शक और वहम का कुछ नहीं हो सकता सबा, और आइंदा मेरे फोन को ना छेड़ना। जमीला, इस महीने का राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया भाई? आटा दाल चावल सब खत्म है। बेगम साहिबा, सबा बाजी के रिश्तेदार जो आते रहे दादी को देखने के लिए और खाना खाए बगैर तो वो जाते भी नहीं है। दिन में चार चार खाने पकते हैं, तो राशन तो खत्म होना ही है ना जी। इतनी फिजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? दादी को देखने आ रहे थे, कुछ दावतें उड़ाने तो नहीं? अब मैं क्या कह सकती हूँ जी, सारे घर का निजाम धर्म भरम हो गया, बजट की किसी को फिक्र ही नहीं है, सब कुछ उलट पुलट हो गया है। आरिस, आरिस।
जी अम्मी। किशन का राशन महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया। इस सभा के रिश्तेदार दादी को देखने के लिए आते रहे और दावतें उड़ाते रहे, बहुत खर्चा हो गया। अब किचन का सामान दोबारा लेकर आओ। अम्मी अब घर आए मेहमानों को खाना तो पूछना होता है, मैं ले आऊंगा सामान। मगर सभा को खुद ख्याल करना चाहिए, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। इसकी डिलीवरी का खर्चा अलग है, वो भी हमने करना है। और बेगम साहिबा को तो पता ही नहीं है कि किफायत शियारी ये सलीका किस चिड़िया का नाम है। अम्मी अब इतनी छोटी छोटी बातों पर मैं उसको क्या कहूँ। बेटा ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती है, बात एहसास की होती है। अम्मी जब घर पर मेहमान है तो अखराजात तो बढ़ेंगे ना, आप फिक्र मत करें, मैं ले आऊंगा सामान। घर में ऐसी बेबरकती तो कभी भी नहीं थी। तुम्हारे अब्बू को भी नाना बनने की बहुत ख्वाहिश है भाई। जब बेटी की शादी हो जाए तो फिर नवासा और नवासी का तो इंतजार रहता है। जी शाहनवाज कुछ उलझे हुए हैं आजकल, अपनी परेशानियां मुझे बताते भी नहीं है। न जाने ऐसी कौन सी परेशानियां जो उन्हें उलझाए हुए। हाँ सिकंदर ने मुझे बताया था कि आजकल शाहनवाज ऑफिस नहीं आ रहे। मैंने कहा अच्छी बात है, उनको भी ब्रेक मिलना चाहिए। जी आजकल वो घर पर आराम कर रहे हैं। हम उस दिन रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ उनको कोई पुराना दुश्मन नजर आया, न जाने वो शख्स कौन है, पर तब से वो अपसेट है। मैं पूछती हूँ तो तफसील भी नहीं बताते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। ऐसा कौन सा दुश्मन है उनका, पुलिस को इतला दी? नहीं पुलिस की जरूरत नहीं है, ये मामला कुछ और ही है। ऐसा कौन सा शख्स है जिसे देखकर शाहनवाज की ऐसी हालत है? मालूम नहीं, पता नहीं कौन शख्स है ये। और इन हालात में मैं शाहनवाज से कोई और बात कर भी नहीं सकती हूँ, वो पहले ही बहुत अपसेट है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसका नाम वो राज में रखना चाहते हैं। राज में रखने की कोई तो वजह होगी जो मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन शायद कुछ दिनों में खुद ही बता दें। शाहनवाज बहुत अकेले रहे, उनकी आदत बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा तुम परेशान ना, वक्त के साथ शाहनवाज खुद ठीक हो जाएंगे। बस तुम उसे तसल्ली और हौसला देती रहना। क्या पता वो अपनी दिल की बातें तुम्हारे साथ शेयर करें। हाँ शायद। आखिर इसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं, आपको इससे क्या हासिल होगा? मेरे लिए ये कहना मुश्किल है, मगर मुझे हर उस इंसान से हमदर्दी है जिसे शाहनवाज ने धोखा दिया। मैं जानता हूँ उसने आपके साथ बहुत बुरा किया, और मैं ये नहीं चाहता कि वो जेबू के साथ भी यही करे। जेबू तो नादान है। क्या आप सब लोगों से इतनी ही हमदर्दी रखते हैं? आप ये कह सकती हैं, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। शाहनवाज एक खुदपरस्त इंसान है जिसको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, और वो लोगों को धोखा देके ट्रैप करता है। मगर वो रिश्ते में आपका बहनोई लगता है, आपकी कजिन का शोहर। बहनोई? मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जेबू और शाहनवाज का रिश्ता भी खत्म हो जाए। आखिर शाहनवाज से इतनी नफरत की क्या वजह हो सकती है? क्या इतना काफी नहीं कि वो एक खुदपरस्त और धोखेबाज इंसान है? मेरी नादान कजन को धोखा दे रहा है वो, उसको ट्रैप करके उससे शादी कर ली उसने, और जेबू भी मजबूरी में आके मान गया। आखिर आप अपनी कजन जेब के लिए इतने हसास क्यों हैं? जेबू और मैं बचपन के साथी, इकट्ठे पले बड़े, मैं उसे यूं ट्रैप होते हुए नहीं देख सकता। अब आप आ ही गई हैं तो आपको शाहनवाज से बात करनी चाहिए, अपनी बेटी से मिलना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। परसों बाद आने वाले अपनी पहचान भी बिल्कुल खो देते हैं। लेकिन एक माँ अपनी पहचान कभी नहीं खो सकती, आप उसकी माँ हैं। मुझे तो उस बच्ची पर तरस आता है, इग्नोर हो रही है वो उस घर में। शाहनवाज और जेबू की तो अपनी मसरूफियात है, वो उसका ख्याल नहीं कर सकते। आप ही मुझे बताएं, क्या घर के मुलाजमीन अनाया को एक माँ की ममता और शफकत दे सकते हैं? ये कैसे हो सकता है,
शाहनवाज ने अपनी बेटी को पालने और उसकी जिम्मेदारी के बहुत दावे किए थे। वो क्या और उसके वादे क्या? वो जेबू से शादी के बाद सब कुछ भूल बैठे हैं। मुझे तो उस बच्ची पर तरस आता है। आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं। उसका यहाँ पर कोई ख्याल नहीं कर सकता। और जेबू, वो तो नादान है, उसको बच्चे पालने नहीं आते और ना ही उसे बच्चों में कोई दिलचस्पी है। वो और शाहनवाज घूमते फिरते रहते हैं और अनाया उसको घर के मुलाजमीन पाल रहे हैं। क्या जेबू एक बहुत बुरी सौतेली माँ साबित हुई है? देखें, जेबू एक नादान लड़की है, वो बच्चे नहीं पाल सकती। ये तो शाहनवाज का कसूर है, उसे एक मैच्योर औरत से शादी करनी चाहिए थी जो अनाया को पाल सकती है। अगर वो एक खुदपरस्त और धोखेबाज इंसान, सेबू अनाया का ख्याल नहीं रख सकती। आप खुद ही बताएं, क्या एक सौतेली माँ अपने बच्चे को एक सगी माँ की तरह प्यार कर सकती है? थैंक यू कि आपने मुझे ये सब कुछ बताया। अगर आप मुझे नहीं बताते, मुझे कभी भी नहीं पता चलना था कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। ये तो मेरा फर्ज था। और आप शाहनवाज से ना घबराएं, आप एक माँ हैं और एक माँ बहुत ताकतवर होती है। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हैं। शाहनवाज आपकी ताकत को चैलेंज नहीं कर सकता। और जेबू, वो भी खुश होगी, ख्वामखा की जिम्मेदारी से जान छुटी। आप सोचिए इस बारे में। अनाया बेटे जी, आपके मैथ्स में इतने कम नंबर्स क्यों आए? डैडी, वो मुझे मैथ्स के सम्स सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता। फिर आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? इंग्लिश, फाइन आर्ट्स। मुझे कलर्स, मार्कर्स, पेंट्स, ब्रशेस, ये सारी चीजें बहुत पसंद है। और पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना, और पढ़ाई को दिल लगा के करना चाहिए। आपकी सारी फ्रेंड्स पढ़ाई नहीं करती क्या? मैं दिल लगा के पढ़ती हूँ, पर मुझे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आती मैथ्स। मेरी फ्रेंड की मम्मा डॉक्टर है, तो मेरी फ्रेंड कहती है मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे छोटी मम्मा की तरह आपका बिजनेस संभालना है और आर्टिस्ट बनना है। आप लोग यहाँ आए? आइए जी, बाबा मेरी कॉपीज चेक कर रहे थे। जी, बस अनाया के मैथ्स में थोड़े नंबर कम आए थे, इसके बारे में बातें हो रही थी। वो मुझे मैथ्स इतनी अच्छी नहीं लगती। आपको पसंद है? मुझे तो सही लगती है, लेकिन आपके नंबर क्यों कम आए हैं? मुझे सम्स सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हो, मैं उनके साथ खेलूं। सुन रहे हैं दादा की बातें? अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो फिर आपको कम तवज्जो मिलेगी और आपको बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी अनाया को सारी अटेंशन मिले। लेकिन मेरी फ्रेंड मीना है ना, मुझे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। चलो गुड, खेला करो, लेकिन स्टडीज, पढ़ाई भी साथ साथ इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी। गुड। सबा, इस महीने दूसरी दफा राशन लेके आ, ख्याल से खर्च कर। महंगाई बहुत हो गई है और घर का बजट भी दुगना हो गया। मेरे चंद मेहमानों और रिश्तेदारों ने आना क्या शुरू किया, तुम्हारे ताने शुरू हो गए। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जाहिर सी बात है डॉक्टर ने मुझे खाने पीने के लिए बोला है, खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। और वैसे भी दादी के कुछ मेहमान आते हैं, उनको थोड़ा सा खाना क्या खिला दिया, इसमें क्या बात हो गई? मगर हमने अपनी आमदनी और घर का बजट भी देखना है, बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आया। आरिस, खर्चा बढ़ गया है तो सौदा सर भी ज्यादा लाया करो ना, कंजूसियां छोड़ दो। महंगी महंगी पेंटिंग्स पे पैसे जाया करने से बेहतर है तुम घर पे तवज्जो दो। ये राशन संभाल लो, तुमसे बहस करना ही बेकार, तुम नहीं समझोगी।
हाँ तो ना किया करूँ ना। शाहनवाज साहब का ऑफिस किधर है? उनका ऑफिस सामने ही है। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी उनसे अपॉइंटमेंट है? जी हाँ, मेरी उनसे फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा आप आ जाए। आप प्लीज वेटिंग एरिया में बैठिए, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। काइंडली मेक इट फास्ट। जी प्लीज। शाहनवाज उज़्मा, तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने आए, तुमसे मिलना जरूरी हो गया। इतने अरसे बाद कैसे ख्याल आ गया? मेरी एक अमानत है तुम्हारे पास, मेरी बेटी। वो सिर्फ मेरी बेटी है और तुम तो उसे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई थी। मैं सब कुछ जानती हूँ शाहनवाज, तो मेरी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। स्पेसिफिकली जब से तुम्हारी दूसरी शादी हुई है, तो अपनी बीवी के इश्क में इतने गिरफ्तार हो कि तुमने मेरी बेटी को अपने दो नौकरों के रहमो करम पर छोड़ रखा। वो भला उसका क्या ख्याल करें? और तुम्हारी बीवी, भला कभी कोई सौतेली औरत भी सकी माँ हुई है? उसमें अपनी assumptions अपने पास रखो। तुम्हें कोई उल्टी सीधी खबरें दे रहा है और तुम उन पर एतबार कर रही हो। अनाया का ख्याल मैं खुद रखता हूँ और वो अपने घर में बहुत खुश है। और तुमने तो बरसों पहले दूसरी शादी कर ली थी, तो अब यहाँ किस हक से आई हो ये बातें करने? तुम अपनी वीकनेसेस अब इसी तरह कवर करोगी ना शाहनवाज? Your wife is a divorcee. उसने मजबूरी में तुमसे शादी की है और वो मजबूरी में मेरी बेटी पाल रही। तुम उस लड़की की मजबूरी को मोहब्बत का नाम देना चाहते हो? कोई भी लड़की किसी और औरत की बेटी को क्यों पालना चाहेगी? Stop giving yourself false satisfaction, शाहनवाज। उसमें तुम्हें कोई बहका रहा है। तुम हमेशा की तरह दूसरों की बातों में आ रही हो। You never understood me. इसीलिए हम अलग हो गए। अनाया को मैंने पाला है, उसकी तरबियत और परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। She is my everything. शाहनवाज, अनाया is all grown up now. और मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। और मैं चाहूंगी कि हम इस मामले को पढ़े लिखे लोगों की तरह हल करें। That's impossible. शाहनवाज, तुम आज भी वही जिद्दी इंसान और तुम आज भी वही खुदगर्ज औरत हो। मगर मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा लिहाज करता हूँ क्योंकि तुम नाया की माँ हो। चलो, एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि मैं उसकी माँ हूँ, एंड दैट के तुम मेरी राइट को चैलेंज नहीं कर सकते। वो तुम्हें पहचानती भी नहीं। She hasn't seen you in 6-7 years. उसके लिए तुम सिर्फ एक अजनबी औरत हो, कैसे रहेगी तुम्हारे साथ? इसकी टेंशन तुम मत लो शाहनवाज, वो मुझे पहचान भी लेगी और मुझसे अटैच भी हो जाएगी। अब तो मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक नहीं सकते। हरगिज़ नहीं। और मैं उसे यहां से ले जाऊंगी, तुम कुछ नहीं कर सको। सिकंदर, ये खातून कौन थी जो अभी बाहर गई है? कोई नहीं, कुछ जाने वाले थी, किसी काम से आए थे। अच्छा,
Mrs. Astor's product files. मैंने देख ली और मुझे लगता है कि हमें भी अपनी रेजिग्नेशन रख लेनी चाहिए. जरूर. Are you okay? It's a long day. 3 days don't move in. क्या सोच रहे हैं? आज शाहनवाज से मिलने ऑफिस में खातून आई थी. कौन थी? मुझे नहीं पता, लेकिन शाहनवाज कह रहा था कि उसकी कोई मिलने वाली है. उस खातून को उससे कोई काम है. हाँ तो किसी काम से आई होगी, शाहनवाज के बहुत ताल्लुकात हैं. हाँ मगर शाहनवाज के चेहरे पे कुछ अजीब सी संजीदगी थी जिसे वो छुपाने की बड़ी कोशिश कर रहा था. मैं उसके अंदाज से वाकिफ हूँ. ऐसी क्या बात हो सकती है? कुछ था, कोई बात जरूर थी. कोई ऐसी इबारत उसके चेहरे पे लिखी थी जिसे मैं नहीं पढ़ पा रहा. वो खातून कैसी थी, मतलब उसका हुलिया कैसा था? ब्यूटीफुल. मगर उसकी जो प्रेजेंस थी वहां पे वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी. सिकंदर मुझे लगता है आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ऑफिस है, लोग आते जाते रहते हैं, शाहनवाज का सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, किसी काम से आई होगी. Maybe. आप टेंशन ना लें प्लीज, शाहनवाज एक समझदार और मैच्योर इंसान है. इसकी टेंशन तुम मत लो शाहनवाज, वो मुझे पहचान भी लेगी और मुझसे अटैच भी हो जाएगी. अब तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक नहीं सकते और मैं उसे यहां से ले जाऊंगी. तुम कुछ नहीं कर सकोगे. मेरी प्यारी बेटी अनाया, मेरी नाजों से पली हुई बच्ची, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा. आज अनाया जल्दी सो गई थी, थक गई थी. अच्छी बात है, आराम कर ले. मैं अनाया को ही देखने आया था. अपनी बेटी के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनाया खुश है, ठीक है, क्या नहीं है इसके पास? मगर बाप की फिक्रें तो खत्म नहीं होती. मेरा दिल बस अनाया पे अटका रहता है. बच्चे बड़े हो जाएं तो जिम्मेदारियां और फिक्रें भी बढ़ जाती हैं. इकलौती बेटी है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसके और बहन भाई होने चाहिए. लेकिन आप मेरी बात समझते ही नहीं. समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ. तुमने तो इस बात को अपनी जिद बना ली. मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ जिद, प्लीज ड्रॉप इट. तो आप अपनी उलझने मेरे साथ शेयर करें ना. मैं आपकी बीवी हूँ, हम सफर हूँ, आपकी हमराज हूँ. आप मेरे ऊपर एतबार नहीं करते? कारोबारी मामलात की उलझने हैं, छोड़ दो. मैं नहीं चाहता किसी और पर अपना बोझ डालूं. मियाँ बीवी एक दूसरे का बोझ बांट लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. अनाया को आराम करने दो, हम अपने कमरे में चलते हैं. मैं भी आज बहुत थक गया हूँ.